में करीब 350 से ज्यादा संगठन है, किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, आदिवासियों के, युवाओं के, अलग अलग तबकों के अधिकार को और न्याय की मांगों की बात को आगे बढ़ाते हुए इस देश में 1992 में शुरू हुआ था। दो मुख्य घटनाएं उस दौरान हुई थी। एक, उसी समय बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, उसके खिलाफ कि इस देश में संविधान की रक्षा होनी चाहिए और सेक्युलर मूल्यों का हनन नहीं होना चाहिए, उस बात को लेकर। और दूसरा, जब अपने देश में 91 में ये निजीकरण का और ग्लोबलाइजेशन का दौर का पूरा असर जो हमारे देश में हो रहा था, उसके खिलाफ पूरे देश भर के जन संगठनों का एक एकता और समन्वय होना चाहिए, वहाँ से शुरू हुई थी जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय का दौर। उसके एक बहुत लंबा सफर रहा है पिछले 25 सालों में, अलग अलग लड़ाइयाँ देश भर के विभिन्न समूहों के साथ लगातार इस देश के जल, जंगल, जमीन, लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संवैधानिक अधिकार, विभिन्न मुद्दों को जोड़ते हुए, उठाते हुए, अन्य बहुत सारे इस देश के जो समन्वय है उन सब के साथ प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए लगातार संवैधानिक हकों के लिए लड़ने वाली एक प्रक्रिया जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय। तो अभी हमने 2019 जब हमारी द्वार पर खड़ी है और हमने देखा कि इस देश में पिछले 4 सालों से जिस प्रकार से संवैधानिक मूल्यों की, संविधान की आत्मा की पूरी तरीके से भरसक उल्लंघन हो रही है, संविधान का तो पहले भी हनन हो रहा था और हम सब लगातार जो भी सरकारें थे उन सब के खिलाफ आवाज उठाते रहे, संगठित होते रहे, लड़ते रहे। मगर खासकर ये कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले 4 सालों में जो चलता रहा है ये इस देश में कभी शायद उस प्रकार से नहीं हुआ है। खाने की आजादी से लेकर, किसको का किससे शादी करना से लेकर, किसको क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, हर चीज पर जिस प्रकार से अधिकारों का हनन होता गया है। और दूसरी तरफ जो आर्थिक आतंक, आशीष भाई ने बहुत विस्तार से बात रखा तो इसलिए मैं उसके बारे में नहीं रखूंगी, मगर जो आर्थिक आतंक और लूट और गैर बराबरी का सिलसिला जो शुरू हुआ इस देश में, एक तरफ अडानी अंबानियों को लाभान्वित करना और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर किसानों की आत्महत्या निरंतर चल रही है। अभी 1 लाख किसान पूरा दिल्ली को हिलाया और उन सबके समर्थन में आप में से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े थे। मजदूर कानून के अमेंडमेंट और उसके खिलाफ लगातार मजदूर साथी संगठित हो रहे हैं, सूचना अधिकार कानून को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, रोजगार अधिकार कानून जो लड़कर हासिल हुआ था उसके अमल में इनकी कोई रुचि नहीं है, महिला नारीवादी आंदोलनों ने जो लड़ाई लड़ी इतने लंबे सालों से उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वन अधिकार कानून का अमल नहीं उसको बदलने की कोशिश हो रही है, पर्यावरण के हितों में जितने कानून है उसको बदलने की कोशिश कर रही है, और इस देश के जितने इंस्टीट्यूशन है, RBI से लेकर CBI से लेकर UGC से लेकर पूरे यूनिवर्सिटीज में हस्तक्षेप करने से लेकर बार काउंसिल से लेकर संविधान के आधार पर जितने संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, सभी को खत्म करने की साजिश, कोशिश, निजीकरण को आगे बढ़ाना, कुछ चंद ठेकेदारों को, कॉरपोरेटर को लाभ पहुंचाना और राम मंदिर और हिंदू राष्ट्र के नाम पर इस देश में फूट डालना, बस यही एजेंडा रहा है इस सरकार का पिछले 4 सालों में। इसलिए जरूरी पड़ा संविधान सम्मान यात्रा, क्योंकि हमारे देश है विविधताओं का, हमारी देश बहुत सारी बोलियों का, बहुत सारी संस्कृतियों का, बहुत सारी पहचानों का, बहुत सारे संघर्षों का, और जब हमने 65 दिनों की यात्रा की उसके द्वारा और दौरान भी यही बात हमको फिर से देखने को मिला। जब हम 65 दिन की यात्रा समाप्त करके आज यहाँ दिल्ली में खड़े हैं तो हम वो पूरी ताकत लेकर यहाँ पर खड़े हैं। देश भर के लोग यहाँ डांडी से लेकर हमने शुरुआत की दीमापुर तक नागालैंड में, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे 26 राज्यों का दौरा, 25,000 किलोमीटर का सफर, लगभग 200 से ज्यादा जन संघर्षों के बीच जाना, किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के, युवाओं के, जगह जगह पर शुरुआत हमने की डांडी से, जहां पर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नमक सत्याग्रह के खिलाफ ये संघर्ष किया था, और आज भी सरकार के दमनकारी कानूनों के खिलाफ लड़ाई उतना ही जरूरी है। वहां से लेकर हमने बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो प्रेरणा स्थल है महू में, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, चैत्य भूमि में जहाँ पर उनकी अंतिम संस्कार हुई थी, और नागपुर में जहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारा, ये सभी जगहों को यात्रा ने छुआ। उलीहाटू झारखंड हम गए थे जहाँ पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, भगत सिंह के क्षेत्र में हम गए थे पंजाब में, खटगढ़ में, तो बहुत सारे जो हमारे देश के संस्कृति को, साझा संस्कृति को प्रेरणा देने वाले योद्धाओं के क्षेत्रों में हम गए, और साथ में हम गए आज के तारीख में जो इस देश में योद्धा बन के शहीद हो रहे हैं, वो मंदसौर के किसान हो या तूतुकुड़ी में वेदांता कंपनी के फायरिंग के कारण मारे हुए 13 लोग हो, या झारखंड में बड़का गाँव के वहाँ के संघर्ष में मारे गए किसान हो, किसान आत्महत्याओं के क्षेत्र में गए, तो जगह जगह पर आज भी अपने संवैधानिक हक के लिए लड़ने वाले
लोग जो शहीद भी हो रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं उनके बीच भी यात्रा पूरी गई। शुरुआत जब गुजरात से हुई तो गुजरात का तो पूरा पोलखोल होता गया। जो वाइब्रेंट गुजरात का मॉडल दिखा रहे हैं वो वाइब्रेंट गुजरात मॉडल न वहाँ के किसानों को मंजूर है, न वहाँ के मजदूरों को मंजूर है, न वहाँ के युवाओं को मंजूर है। जो पोलखोल कर रहे हैं कि रोजगार पैदा न करने वाली, खेती किसानी को खत्म करने वाली ये विकास नीति वाइब्रेंट नहीं है, ये गुजरात को खत्म करने वाली, छीनने वाली विकास नीति है। ये गुजरात में हमने देखा, राजस्थान में हो या झारखंड में हो, हमने देखा कि किस प्रकार से राशन पेंशन के लिए भी आज भी लोगों को लड़ना पड़ रहा है। भूख की मौतें इस देश में आज़ादी के 70 साल भी होना शर्मजनक है, ये राजस्थान में, झारखंड में, कई राज्यों में देखा। इस देश का बड़ा हिस्सा है आदिवासी क्षेत्रों का, वहाँ से बहुत सारे साथी यहाँ पर भी आए हैं। झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो वहाँ कई जगहों पर ग्राम सभा का अधिकार के ऊपर पत्थलगड़ी मूवमेंट के साथियों से हम लोग मिले थे। गढ़चिरौली में, कोलवरम में, हर जगह पर ये आवाज़ और नारा उठ रही है कि विधानसभा और राज्यसभा नहीं, ग्राम सभा सबसे ऊंची है। और जगह जगह पर साथी ग्राम सभा के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पांचवी अनुसूची क्षेत्र में अपने जल, जंगल, जमीन को कॉरपोरेट लूट के खिलाफ निरंतर संघर्ष कर रहे, तो यात्रा उन सभी क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर गई और उनकी ताकत से यात्रा को प्रेरणा मिली। जो आज भी इतने दमन के विपरीत सरकार वहां के आदिवासियों के ऊपर, वहां के कार्यकर्ताओं के ऊपर सेडिशन के केसेस भी लगा रही, देशद्रोह के मुकदमे लगा रही, मगर इसके बावजूद लोग जगह जगह पर खड़े हो रहे हैं और इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही हम गए कई ऐसे जगहों पर जहां पर हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों के ऊपर निरंतर हमले हो रहे हैं। राजस्थान का उदाहरण हम देख ले तो जफर भाई, जिनको स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर जिनकी हत्या की गई, या अलवर में पहलू खान की हत्या की गई और अभी भी विटनेसेस को डराया धमकाया जा रहा है, उनके बीच यात्रा गई अपनी समर्थन देने के लिए। तो अलग अलग जगहों पर पूरे देश में, दक्षिण भारत का एक अलग स्थिति भी है वहाँ के राज्यों की, मगर वहाँ पर भी बहुत सारे आंदोलनों के बीच जाना हुआ। हमने देखा कि छोटे राज्यों का, जैसे तेलंगाना हो या फिर अभी नॉर्थ आंध्रा का एक सवाल है, नॉर्थ बंगाल में जब हम लोग गए तो अलग अलग जगहों पर ये भी एक मांग उठ रही है कि छोटे राज्य होने चाहिए, मगर छोटे राज्य आने के बाद भी पूरा राजनीतिक व्यवस्था जिस प्रकार से लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है, उसके बावजूद भी लोगों को अपना पूरा हक नहीं मिल रहा, तो वो भी मुद्दा पूरे यात्रा के दौरान आया। किसानों के, दलितों के, मजदूरों के निरंतर सवाल उठते जा रहे थे। उत्तर पूर्व में जब हम लोग गए थे तो वहाँ पर अखिल भाई यहाँ पर वो बात रखेंगे ही, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के द्वारा जिस प्रकार से विभाजन की राजनीति को बीजेपी आगे बढ़ाना चाह रही है, अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाह रही है, उसके खिलाफ जबरदस्त वहाँ पर आंदोलन उत्तर पूर्व के अलग अलग राज्यों में, मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट में चल रही है। तो वहाँ के साथी अमन शांति चाहते हैं और इस देश में भाईचारा, बहनचारा चाहते हैं। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के विरोध के संदर्भ में हमें वहाँ पर देखने को मिला। तो साथी यात्रा के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, संक्षिप्त में कहना है इसलिए हम और उदाहरण नहीं रख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जहां पर साथी गए तो वहां पर भी वहां के संघर्षों को और आज़ादी का जो नारा है वो सही में, हम आज मानवाधिकार दिन पर बात कर रहे हैं तो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन भी मानवाधिकार है, इसके लिए भी हमें जन आंदोलनों की तरफ से खड़ा होने की ज़रूरत है। तो वहां पर भी साथियों के साथ समर्थन में गए थे, तो बहुत सारे आंदोलनों के बीच जाना हुआ, समर्थन व्यक्त करना हुआ और हम ये देखा कि आज देश भर में एक लहर है, एक माहौल है मोदी सरकार के खिलाफ। जगह जगह पर लोग आक्रोशित है, इनकी नीतियाँ, इनके जुमले, इसका पूरा जो पोलखोल हो चुका है, लोग त्रस्त है इससे और लोग बदलाव चाह रहे हैं। और इसलिए भी एकजुटता की संभावना आज शायद जो इतिहास में कभी उतना नहीं था, आज देश में एकजुटता की एक बहुत बड़ी संभावना दिख रही है। तो ये संभावना हमारे सामने एक अवकाश है, एक अपॉर्चुनिटी है, हम इसको किस प्रकार से 2019 में भी और 2019 के आगे भी हमारे संवैधानिक मूल्यों को कायम रखने के लिए हम कैसे संगठित हो, कैसे एकत्रित हो, हमारे अलग अलग पहचान है वो हमारी ताकत है, उसको हमारी ताकत के रूप में देखना चाहिए और इन पहचानों के साथ साथ हमारे संविधान के बुनियादी जो मूल्य है उस पर, संविधान के कुछ बिंदुओं पर बहस आगे भी हो सकती है, उसको और प्रगतिशील करने की ज़रूरत है, मगर आज ज़रूरत है संविधान के उन बुनियादी मूल्यों को, धर्मनिरपेक्षता को, समाजवाद को, लोकतंत्र को, समानता को, समता को, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, जिसका सपना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा, उसको ज़मीन पर उतारने के लिए। तो उसके लिए यही मौका है साथियों, देश भर में एक
सकारात्मक लहर भी हमको दिख रही है। हर वर्ग, वो छात्र संगठन हो या दलित संगठन हो, इस सरकार के बहुत सारे नीतियों को उन्होंने विफल किया है। SC ST एक्ट के बदलाव के खिलाफ संघर्ष रहा है। विद्यार्थी आंदोलनों का बहुत बड़ी भूमिका रही है इस देश में भगवाकरण के खिलाफ निरंतर संघर्ष करने के लिए। तो हमने संविधान यात्रा की तरफ से उन सभी संघर्षों को भी जगह जगह पर सलाम किया, उनके साथ हमने सफर की और आगे भी इस संविधान सम्मान यात्रा को हम इस 65 दिनों के साथ समाप्ति नहीं देख रहे हैं। आगे भी इस प्रक्रिया को हम निरंतर जारी रखना चाहेंगे और देश के जितने भी प्रगतिशील ताकतें हैं, संगठन हैं, सबको साथ लेकर हमारे संविधान के बुनियादी मूल्यों को बचाना और मानव अधिकारों का जो एक पूरा ढांचा है उसको और व्यापक करते जाना, उसके लिए हम सबको निरंतर संघर्षरत रहना चाहिए। तो मैं एक नारा देकर अपने बात को समाप्त करूंगी और डॉक्टर अपना रावत जी बात रखेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो हम सबको कहा था और जो सही में आज जरूरी है, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। तो मैं बोलूंगी शिक्षित हो, संगठित हो, आप सभी साथी कहेंगे संघर्ष करो, संघर्ष करो। शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, संघर्ष करो। शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो।